हमने लास्ट क्लास में यह समझ लिया था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला की बैठ जा रहा हूं फिर ले भाई राइट। हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर कहीं दिखता है तो ये पैराबोला है। पैराबोला एक यू शेप टाइप फिगर रहती है जो कि फैलती चली जाती है ए यहां पे वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस रहता है। ये डिस्टेंस लाइन ऑफ सिमेट्री पे ट्रेवल होता है। फोकस शब्द अगर हम मेरे मुंह से निकला है अभी तो पैराबोला के लिए फोकस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैराबोला जो शेप है इट इज डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स देयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। राइट, डायरेक्ट्रिक्स दिशा देती है और फोकस जो है वो एक पॉइंट रहता है जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे आता है। तो पैराबोला अगर आड़ा टेढ़ा बनेगा तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे रहेगी। अगर पैराबोला को ऐसे बनना होगा तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी गेम बन जाती है। 11th क्लास इतनी बड़ी क्लास होती नहीं है। ऑल्सो लाइन को क्या कहते थे? डायरेक्ट्रिक्स। जो आपने भी ड्रॉ करी। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि 11th क्लास में बहुत बड़ी क्लास है नहीं। ऑल्सो सेकंड हाईएस्ट क्लास ऑफ द स्कूल है बट स्टिल वो थोड़ी सी बदमाशी करने के काम आ जाती है, थोड़ी सी गाली गलौज करने के काम आ जाती है, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए बहुत हल्के लेवल पे है 11th क्लास। और एनसीईआरटी ने और आसान कर रखा है तो पैराबोला बहुत ही बड़ा टॉपिक होने के बावजूद एनसीईआरटी ने बड़ा रिस्ट्रिक्टेड करके आपके सामने रखा हुआ है। रिस्ट्रिक्शन के नाम पे एक बात उन्होंने ये रखी है जी कि हम तो उन पैराबोला की बात करेंगे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है या तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस होगी या लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस होगी। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री y एक्सिस होगी तो वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो लाइन ऑफ सिमेट्री y एक्सिस हो गई। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री को y एक्सिस होना है तो वो ऐसे भी हो सकती है। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री को x एक्सिस पे होना है तो और वर्टेक्स ओरिजिन पे होना है तो या तो वो ऐसे या वो ऐसे। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब कि ऐसी लाइन जो एक शेप के लिए होती है जिसके एकदम ओवरलैप हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राइट, ये जो इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखी हुई है ये इस तरीके के पर्टिकुलर इस तरीके के पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। a डिस्टेंस होता है तो a नेगेटिव नहीं होता है। तो यद्यपि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax कहीं लिखा है तो वो डेफिनेटली ये वाला पैराबोला है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज रिप्रेजेंटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट हैंड साइड इज रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिविटी। इन ऑर्डर टू हैव दैट मैचिंग थिंग राइट हैंड साइड हैज टू बी पॉजिटिव। 4 न्यूमरल है, a पॉजिटिव है तो सिर्फ x ही बचा जो नेगेटिव हो सकता है जिससे ये बात खड़ी जिंदा रह सकती है। तो इसलिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x एक्सिस ही इस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ इक्वेशन के लिए सर्वाइवल है। राइट हैंड साइड में जो x है वो पॉजिटिव है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नो दिन सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां पे हमने लास्ट क्लास में थोड़ी सी ज्यादा गहरी बात करके ये भी समझ लिया था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन
उसके पैरामीटर में भी समझ लिया था कि अगर ये वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन स्कूल में बता देते हैं, मान लेते हैं एच कॉमा के, तो ये क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसी होती है, लेकिन ये तब होती है जब वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर हम ना एक काम करते हैं, हम यही चीज दिमाग में डाल लेते हैं और जब वर्टेक्स एट ओरिजिन होगा तो इनकी जगह जीरो डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay - 0 बनेगी बात, एक्स इज इक्वल टू 4ay। इसके अलावा एक चीज होती है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी एक डिग्री है जो ये बतलाती है कि एक शेप, एनी आइडिया अबाउट इसेंट्रिसिटी? सर परफेक्शन डिग्री है, इसेंट्रिसिटी एक डिग्री है जो ये बतलाती है कि एक शेप सर्कल बनने से कितनी डेविएटेड है, कितनी दूर है। तो जो एलिप्स शेप है उसकी इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती, सर्कल की इफेक्ट डेफिनेटली 0 ही होगी, सर्कल सर्कल बनने से कितनी दूर है जी, दूर है ही। और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मोर देन 1 होती है। मतलब अगर आपको कॉनिक सेक्शंस का एक पार्ट याद हो कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल 0, थोड़ा सा ऊपर लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1, कुछ याद है आपको? नहीं सिस्टम में वाली बात अटेंड करी थी, फिर भी करनी है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी पैराबोला की 1 रहती है। एक चीज होती है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एक फोकल कॉर्ड को कहते हैं। फोकल कॉर्ड का मतलब है ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है। कॉर्ड का मतलब जिसके दो लाइन, ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट्स कर्व पे आते हैं। तो ऐसी कॉर्ड, ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दो पॉइंट्स कर्व पे आते हो, अगर वो फोकस से पास करती है तो वो फोकल कॉर्ड हो जाती है। और अगर वो फोकल कॉर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री पे परपेंडिकुलर है तो उसे लेटस रेक्टम कहते हैं। अगर ये फोकस है तो ये फोकल, ये लेटस रेक्टम, इट्स अ फोकल कॉर्ड, ये भी फोकल कॉर्ड है, 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 लेकिन वो फोकल कॉर्ड जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री से 90 डिग्री पे होती है उस फोकल कॉर्ड को लेटस रेक्टम कहते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मतलब यही हो जाता है कि वो फोकस के टाइम पे कितनी चौड़ी है। अगर ये फोकस है तो ये लेटस रेक्टम है, तो इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एट द टाइम ऑफ फोकस ये कितनी ब्रॉड है, ठीक है। ये काफी रीजनेबली हेल्प करती है चीज एक रैंडम पैराबोला बनाने के लिए। अगर आपको पता होता है कि इसका लेटस रेक्टम की लेंथ इतनी है तो आप जो आइडिया बनाते हो ज्यादा चौड़ा पैराबोला बनाना है या पतला सा पैराबोला बना के खत्म करें बात, तो इसके लिए काफी रीजनेबली हेल्प हो जाती है। ये हेल्प तब तक इन रिस्पेक्ट में नहीं आती जब तक हम 12th क्लास के बोर्ड के पेपर में नहीं बैठने वाले होते। आज बता रहा हूं, 12th के मैं पढ़ाते हूं, दोबारा बताऊंगा। 12th में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर मुझे बोलते हैं सर जब 9th-11th क्लास के कॉनिक सेक्शंस पढ़ रहा हूं तो प्लीज हमें बुला देना, हम पढ़ लेंगे साथ, क्योंकि आता सब काम है। नहीं मैंने बढ़ा नहीं पाता क्योंकि सब अपने ट्यूशन में फिक्स होते हैं। अभी भी यहाँ पे भी जो बच्चे आ रहे होंगे तो किसी ना किसी ट्यूशन से फारिग हो गए आ रहे होंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो या अकाउंट्स हो, सब बिजी तो सारा ही है, ठीक है। तो वो भी बिजी हो जाते हैं, तो कहने का मकसद ये कि पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई है नहीं। लेकिन मैं इस टाइम थोड़ा धीरे बोलना इसलिए मेरी मजबूरी है क्योंकि आपके लिए एकदम नया टॉपिक है। अगर मेरे को स्ट्रेट लाइन्स के बारे में गुफ्तगु करनी होती तो बहुत जल्दी जल्दी बातचीत हो जाती। अरे माइनस ए बी स्लोप, अरे परपेंडिकुलर उल्टा करने से नहीं करेंगे, अरे शादी का सीधा पॉइंट के साथ। वी हैव बीन इन टर्म्स विद द स्ट्रेट लाइन्स फॉर अ गुड टाइम नाउ, लेकिन कॉनिक सेक्शन इज अ प्रीटी न्यू थिंग फॉर यू, तो आई कैन नॉट बी एज फास्ट एज आई वॉन्ट टू। मेरे को तो इसलिए बहुत आराम से चलना पड़ेगा, अलग अलग टर्म्स है, अदरवाइज क्या होगा थोड़ी देर बाद। सर लेटेस्ट सिस्टम क्या था,
एसेंट्रिसिटी का तो सर एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या है सर? डायरेक्ट्रिक्स एलिप्स में होती है सर, यू नो जब नई नई टर्म्स आएंगी तो फिर उसके उसको मस्तिष्क में स्टोर होने का टाइम है. ऑलराइट, सो व्हाई लेटर सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेटर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू कि एट द टाइम ऑफ फोकस वो कितना ब्रॉड है, एट द टाइम ऑफ फोकस वो कितना ब्रॉड है. और सबसे खूबसूरत बात क्या होती है पैराबोला की, कि जो लेटर सेक्टर होता है ना वो एक्स का कोएफिशिएंट ही होता है. ये बढ़िया, एक्स का जो कोएफिशिएंट है 4 है, ये लेटर सेक्टर भी लेंथ है. ये तो ब्रॉड बताया था ना, मतलब उसका नंबर ब्रॉड, ब्रॉड तो एक बात हुई हमारी बीच का डिस्टेंस. मेरी हाइट मॉडरेट है ये एक बात है, मेरी हाइट कितनी हो तो मेरी हाइट कितनी है ना. जो आपने कहा ब्रॉड है तो जो पैराबोला और उसके बीच का डिस्टेंस, पैराबोला उसके बीच नहीं, पैराबोला कितना ब्रॉड है. हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ जो आपने ये लाइन बनाई है, इसके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस विच इज गोइंग थ्रू द फोकस, इस दैट इज लेटर सेक्टर. हाँ, और जो अभी आपने कहा कि वो इसकी जो लेंथ है हाँ वो बड़ी आसानी से प्रोक्योर हो जाती है ज्यादा बिना मेहनत के लिए, एक्सी कोएफिशिएंट उसी लेंथ. हाँ यही पूछ रहा हूं, गुड शो. ऐसी बातें समझ में आती है, थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, क्योंकि लेटर ऑन जब सवाल आएगा तो इतनी धीरे नहीं आएगा, तो ये कलेक्टिव आएगा सवाल. जी तो सर आपने क्या बोला, मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x अगर एक पैराबोला है तो क्या वो 12 यूनिट चौड़ा है फोकस के टाइम पे? हाँ. अगर ये 120 हो जाता है तो क्या वो 120 यूनिट्स का है? जितना ग्राफ की स्केलिंग होगी 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट की, उसके हिसाब से 120 यूनिट की चौड़ाई हो जाएगी फोकस के टाइम पे. ना ना टोटल ईच साइड आ जाएगी 70. लेकिन वो फोकस ऊपर नहीं होगा ना, अरे ना फोकस तो वर्टेक्स से ओरिजिन, वर्टेक्स से फोकस एक ही डिस्टेंस में होगा ना. अभी 4a क्यों आते हैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा. Now this question is कि why that coefficient? ये एक coincidence है. It is not designed to be that. So ये design कैसे किया गया? ये तो पिछली क्लास में derivation में बता दिया गया. Parabola set of points placed in such a manner that they are equidistant from a fixed point and a fixed line. If that fixed line directrix is parallel to y axis or x axis, तब ऐसी लाइनों का जो अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ऐसी लाइनें सिर्फ एक्स इज इक्वल टू ए होती, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसी लाइनें वाई इज इक्वल टू ए होती, क्योंकि वो वही वाली बात है जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे गणेश की, एक्स इज इक्वल टू ए होती है तो उसमें वाई का कोएफिशिएंट 0 होता है, तो जब होल स्क्वायर करते हैं एक्स वाई टर्म आती थी. तो वाई 4a, क्योंकि अगर ये 0, a है और ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, इस पॉइंट पे ऑर्डिनेट a है और एफसीसा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू a, 4a स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2a, तो एक 2a यहां पे ऑर्डिनेट, तो यहां पे भी a ही है, एक माइनस 2a यहां, तो 2a और माइनस 2a टोटल डिस्टेंस 4a, 2a थे, 2a थे, टोटल 4a. लेकिन मैंने जब इक्वेशन ड्राफ्ट करी थी लास्ट क्लास में, तब मैंने 4a को इस थॉट प्रोसेस से नहीं लाया था. 4a तो आया था जी 2ax इधर है, 2x इधर आ गया प्लस 2x, 2x प्लस 2x 4x हो गया था, लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं. तो ये कोइंसिडेंस है कि x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट लेटर सेक्टर की लेंथ भी डिफाइन कर रहा होता है, ये कोइंसिडेंस. एलिप्स में और हाइपरबोला ऐसा नहीं होता, उनकी अलग थ्योरी चलती है. ठीक, ओके. तो सर आप क्या, आपने जो अभी अभी अपनी जुबान से बातें बता ली कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x में या 120x में, हम इक्वेशन को देख के ही क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पैराबोला है वो फोकस के टाइम पे कितना चौड़ा होगा? क्या ये वही वाली बात है जिस तरीके से ax + by + c = 0 को देख के माइनस ab का स्लोप का अंदाजा लगा सकते थे हम? अगर एक लाइन माइनस
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव है, इसकी स्लोप माइनस वन है, तो डेफिनेटली ये 135 डिग्री बनाने वाली है जब ये बनेगी। तो ये बात हमारे दिमाग में आ गई है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है और बी एक्स माइनस ए वाई है, तो ऊपर वाले की स्लोप माइनस ए वाई भी, नीचे वाले की स्लोप बी वाई है, तो ये तो नेगेटिव रेसिप्रोकल है एंड इवेंचुअली परपेंडिकुलर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी मेरा मन करेगा मैं एक सॉफ्टवेयर उठाऊंगा और 11x प्लस 10y इज इक्वल टू 216 और 10x माइनस 11y इज इक्वल टू 1 करोड़ डालूंगा तो लाइन परपेंडिकुलर आएंगी? इनको आना पड़ेगा, इनको आना पड़ेगा। तो लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन से जैसे, हेलो बेटा, लाइन की इक्वेशन से जैसे हम बहुत कुछ प्रोक्योर कर सकते हैं, वैसे ही पैराबोला की इक्वेशन से भी बहुत कुछ प्रोक्योर कर सकते हैं। जिसमें से सबसे बड़ी बात ये थी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये ऐसा पैराबोला है जो x की तरफ खुलता है। ये अब हमारे साथ क्या है ना कि अब है बहुत सारी चीजें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके इन चीजों के ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रांग करनी पड़ेगी और छोटी छोटी पहचान बनानी पड़ेगी कि अरे हाँ इसमें ऐसा हो रहा है तो ये ऐसे वाला पैदा बोला है, अन्यथा तो सब कंफ्यूजन हो जाएगी, अन्यथा सब कंफ्यूजन हो जाएगी। मुझे पता है, नहीं मैं आपके साथ होने नहीं देना चाहता। तो धीरे धीरे चलते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि पैराबोला बहुत रैंडम इक्वेशन वाला भी हो सकता था। लास्ट क्लास में 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 12xy ऐसी कुछ भी इक्वेशन बनी थी, -6x -4 ऐसे कुछ था, है ना? वैसे पैराबोला भी इक्वेशन में देखी, सॉफ्टवेयर में बना के भी देखा, पैराबोला बन भी रहा था, उसके हिसाब से डायरेक्टर्स भी था, उसके हिसाब से फोकस भी था, राइट। लेकिन हमें ये भी पता कि वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो क्या है हमारे कोर्स में, हमारे कोर्स में रिस्ट्रिक्टेड पैराबोला था जिसके जो डायरेक्ट्रिक्स रहते हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस रहते हैं और जो लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है वो एक्स एक्सिस रहती है या वाई एक्सिस रहती है। तो पहली पहचान ये कि अगर वाई की डिग्री 2 है और एक्स की डिग्री 1 है तो ये पैदा होगा। सर्कल की क्या पहचान थी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट से, और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम, और सी के बहाने कुछ रेडियस निकालने की कोशिश, वो रेडियस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है, वो भी क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चैप्टर भी पढ़ा 10th क्लास में, पॉलीनोमियल में भी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, काफी सारी चीजें देखी। ये जो साइंस साइड में जो जनरली लोग होते हैं ये अपने आपको एक बेहतर कॉलेज में ले जाने के लिए कुछ कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन जो है वो डेफिनेटली इस काम के लिए हैं कि टू चूज द बेस्ट अमंग द लॉट, राइट। सेंट्रल बोर्ड से जो रिजल्ट आता है वो सबके लिए रहता है, लेकिन जो साइंस साइड में जो क्रीम पार्ट है उसको प्रोक्योर करने के लिए जो कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट सेटल होता है उसमें ना 80% जो कोर्सेज होते हैं ना वो ग्राफिकली चल रहे होते हैं। तो क्वाड्रेटिक जो हमने पढ़ा 10th क्लास में वो एक ग्राफ से चल रहा होता है, जो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है ना वो भी ग्राफ में दिखा रहे होते हैं कि ये रूट डी क्या है, रूट डी ये चीज है, तो काफी कुछ हो रहा होता है। हम धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां तक, नहीं थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि जल्दबाजी में चाली तो जितना समझ में आ रहा वो नहीं है। तो एनीवेज, जब y की डिग्री 2 हो और x की डिग्री 1 हो तो ये पैराबोला है ना, ये एलिप्स है ना, ये हाइपरबोला है ना, ये गोला है, ठीक है। हाँ, एक की डिग्री 2 है और एक की डिग्री 1 है तो ये पैराबोला है फॉर श्योर। दोनों की डिग्री 2 है तो क्या ये पैराबोला नहीं है, ये ऐसे कहना मुश्किल है। लास्ट टाइम तो 9x प्लस y² बनाई था, पैराबोला बनाई था, लेकिन और भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज खड़ी हो जाती है। तो पहली बात ये जो हमने दिमाग में रखनी है कि अगर
वाई की डिग्री टू वाई एक्स की डिग्री बन जाए तो पैदा होगा ना। दूसरी बात ये दिमाग में रखनी है कि जिसकी डिग्री वन होती है लाइन ऑफ सिमेट्री उसके बाद, जिसकी डिग्री वन होती है लाइन ऑफ सिमेट्री उसके बाद होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में एक्स एक्सिस है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी एक्स एक्सिस है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें वाई एक्सिस है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसे कि माइनस ए बी से स्लोप निकालता है वैसे ही अगर कोई बोले कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120 एक्स है तो आप डेलिबरेटली लिखेंगे ये हमने क्या करें, हम मजबूर हैं, हमने तो ऐसे ही चीजें पढ़ी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनाने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि a 30 है, इस बात का जायजा लिया जाएगा जो पता लगेगा कि वर्टेक्स और फोकस के बीच में कितना गैप है। तो हाँ 4ax है इसमें, वो तो हमने फॉर्म डिराइव किया राइट। तो इस पर्टिकुलर टाइम में ये बात चल रही है जो मैं अभी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120x देखते हो अगर, तो जब 0,30 होगा तब पैदा होगा 120 यूनिट्स ब्रॉडर होगा, 0,30 के टाइम पे पैदा होगा 120 यूनिट्स ब्रॉडर होगा। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स है, तो 0,20 पे क्योंकि x, या मैंने 0,30 बोला था ना, मुझे 30,0 बोलना चाहिए क्योंकि x है, x की पावर 1 है तो x एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है, x एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री, मुझे 30,0 बोलना चाहिए। ठीक है, यहां पे भी मुझे 2,0 बोलना चाहिए क्योंकि x एक्सिस पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो 2,0 पर फोकस है और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो पहला बोला कि ब्रॉडर जो ब्रेथ है वो 8 यूनिट्स की, वो 8 यूनिट्स की है राइट। सर डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि ये बड़ा आसान गेम एनसीईआरटी ने हमारे लिए बना दिया है, हमें पता है कि ए जो है वो वर्टेक्स से फोकस की तरफ का दूरी बताता है और हमें ये भी पता है कि वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जो फोकस और पैरा डायरेक्ट्रिक्स के एकदम मिडिल में आता है, तो अगर ए यूनिट्स आगे है तो ए यूनिट्स पीछे भी डायरेक्ट्रिक्स ये डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट से गुजर रही है उस लाइन का जिक्र होगा। कहने का मकसद ये है 30,0 2,0 आएगा तो एक्स एक्सिस पर ही, तो ये उतना ब्रॉड कैसे होगा, पॉइंट है ना ये, तो इस पॉइंट पे जब ब्रॉडनेस देखेंगे तब वो फोकस है। हेलो वो तो एक पॉइंट है 2,0 30,0 एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे बराबर लगी जो वो इसके बाद जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28y है तो पहली बार बताइए ये पैराबोला होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा या हाइपरबोला। पैराबोला, गुड शो, पहला आंसर आप लोगों का सही है। दूसरा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस पे होगी, एक्सिस वेरी गुड। तीसरा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वेरी गुड। अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay करते हैं तो यहाँ पे ए क्या होता है, ए क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ग्रेट, इस टाइम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए वो कितना है, 7 यूनिट्स पे ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलने वाला है या नीचे की तरफ खुलने वाला है, ऊपर की तरफ खुलने वाला है। ग्रेट, तो इसका फोकस 0,7 होगा या 7,0 होगा, 0,7 पे पैराबोला की विड्थ कितनी होगी, 28 क्या, 28, वेरी गुड। डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के बैकयार्ड में होती है या फोकस से गुजर रही होती है, अगर फोकस से गुजरने वाली कॉर्ड को क्या कहते हैं, नहीं फोकस से फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पे परपेंडिकुलर होता है तो उसको क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम बनाना। सर वर्टेक्स क्या थी जो भी आपने कहा पूछा, ये वर्टेक्स से फोकस सर वो एक और ही बताना है एक बार, वो ये
अच्छा ये तो कोई डिस्टेंस हो गया, ये गैप है। ए क्या? अरे फोकल कॉल, ये फोकल कॉल बहुत सारी बन सकती है ये। अच्छा जो मतलब लेटेस्ट रेक्टम से गुजर रही हो? नहीं नहीं नहीं, लेटेस्ट रेक्टम तो एक पर्टिकुलर चीज खुद है जो एक पॉइंट से गुजर रही है, जो सेंटर से गुजरता है सर्कल में, उसे डायमीटर कहते हैं ना। डायमीटर एक पर्टिकुलर नहीं होती, डायमीटर बहुत सारी होती है राइट, वैसे ही फोकल कॉर्ड्स बहुत सारी होती है जो फोकस से गुजर रही होती है। लेकिन जो फोकल कॉर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री से परपेंडिकुलर होती है उसको लेटर सेक्टम कहते हैं। तो लेटर सेक्टम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ फोकल कॉर्ड, अमंग मेनी फोकल कॉर्ड्स देयर इज ओनली वन लेटर सेक्टम। ठीक सर, ऊपर या ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज टू पॉजिटिव 4ay है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है। राइट हैंड साइड पे 4 पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है बिकॉज़ दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस। Y का मतलब ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स ही इस पूरी इक्वेशन के लिए एकदम सस्टेनेबल नंबर दे सकते हैं। नेगेटिव वाइज क्या करेंगे, परफेक्ट सॉल्यूशन नेगेटिव करेंगे तो वो रियल नहीं है, इसलिए नेगेटिव वाइज में आपको कुछ आंसर मिलेगा कभी। देखो कहां दिख रहा है, अगर ग्राफ यहां से नहीं से गुजरता होता तो कहते हैं उसकी ड्रैगिंग नेगेटिव ऑर्डिनेट से हुई, लेकिन यहाँ पे कहीं हुई नहीं, तो सारे ऊपर ऊपर हाँ यही है, साक्षात यही है, बस एक्स एक्सिस वाई से एरो बनाना बाकी है। सर अभी आपने कहा था लेटेस्ट सिस्टम जो लेंथ होती है वो x की x से कोएफिशिएंट होता है वही हो जाती है ना, तो अब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हां इस टाइम नहीं 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 वो तब जब केस टू केस, इस टाइम 4y का कोएफिशिएंट लेटर सेक्टर में। अच्छा फोकस अगर y पे है तो y का कोएफिशिएंट लेटर सेक्टर में, फोकस अगर x पे है तो x का कोएफिशिएंट, तो केस टू केस। तो इसकी वेट कितनी आएगी? 4a 4a ही लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर में, तभी थोड़े में 4a ऐसे आया था क्योंकि अगर 0a से यहाँ पे डालते हो तो x स्क्वायर इक्वल 4a इनटू a, तो x स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस, तो जब ऑर्डिनेट a है तो fc सा प्लस 2a भी हो सकता है और ऑर्डिनेट a है तो fc सा माइनस 2a भी हो सकता है, तो इन दोनों का डिस्टेंस 2a माइनस माइनस 2a 4a का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए 0 का स्क्वायर 104a स्क्वायर 2a। आसान भाषा में बोले तो जब एफसी सा ऑर्डिनेट सेम होते हैं, एफसी सा डिफरेंट होता है, एफसी सा डिफरेंस ही डिस्टेंस होता है। अगर ये नेगेटिव हो तो क्या नेगेटिव होता है? माइनस 4a हो तो वैसे भी उसका स्क्वायर होगा, अगर ये माइनस 4a है हाँ तो ये नीचे की तरफ खुल जाए, खुल जाएगा लेटर सेक्टर, वो तो लेंथ है ना, वो तो लेंथ है ना, लेंथ वो तो लेंथ है ना, वो तो तुम अपने फिजिकल प्रॉपर्टी का आंसर देगा तो तुम अपने आप ही वॉच करके देगा। तेरी क्या उम्र है? 17। मेरी उम्र है 34। हम दोनों में कितने का फर्क है? 70। तेरे मेरे में कितने का फर्क है? 70। मेरे तेरे में कितने का फर्क है? 70। तो जब मैंने तेरे से फर्क पूछा था तो तूने 17 माइनस 34, 34 माइनस 17 नहीं किया ना, तूने एक जेन्युइन आंसर दिया कि फर्क 17 का है। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये एक जेन्युइन बात थी। इफ आई से कि प्रभजीज एज माइनस निखिल्स एज, देन द आंसर वुड हैव बीन माइनस 17 बिकॉज दैट इज सब्ट्रैक्शन हैपनिंग। फर्क पूछा है तो ये नेचुरल आंसर है, 17 का फर्क है, जैसे मुझे आपके बोल रहे हो फर्क फर्क बना गई है। उसी तरीके से नीचे खुले ऊपर खुले लेटर सेटिंग में लेंथ तो लेंथ है ना, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? सर मेरी बात हो डिस्टेंस है वो तो लेंथ है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। नॉट डिफाइंड तो होगा ज्यादा, तभी x अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो कौन सा केस था? मैंने कहा था कि नॉन रियल आ जाएगा। हाँ तो मैंने कहा था कि अगर और नेगेटिव ऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में कुछ करने की कोशिश करेंगे तो नॉन रियल आंसर होंगे हमारे कार्टेशियन में भी हो जाएंगे। और आपने एक और बात करी थी इंटर, क्या था क्या वर्ड बोला था इंटर कुछ बोल के इसेंट्रिसिटी एक डिग्री होती है जो ये बतलाती है कि एक चीज जैसे हमारा वजन सर आपके पैर हिल रहे हैं जस्ट इनके तरह आपको बताना हो तो, जैसे हमारी वजन है तो हमारा वेट बताती है, ये तो भारी इंसान है, हाइट ऊंचाई बताती है, वैसे इसेंट्रिसिटी एक नंबर होता है जो ये बतलाता है कि एक चीज सर्कल बनने से दूर कितनी है, एक चीज सर्कल होने से पूरी गोल होने से कितनी दूर है वो बताती है।
एलिप्स की सेंट्रिसिटी वन से छोटी होती है, पैराबोला की वन खुद होती है और हाइपरबोला की वन से ज्यादा होती है, गोले की जीरो होती है क्योंकि गोला गोला बनने से दूर है। तो वन क्या है? एसेंट्रिसिटी है वन ये मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल पे एलिप्स की माइनस में होती है। नहीं नहीं, वन से छोटी होती है, माइनस में कैसे हो जाएगी? वन से छोटी डिग्री है, जीरो ही होता है। नहीं नहीं, पॉइंट फाइव पॉइंट फोर इसमें भी है। हाँ जी, ऑल राइट। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बढ़िया बात ये हुई जो लेटर सिक्टम की जो बनावट है वो डायरेक्ट्रिक्स के पैदल ही आएगी, बस वो फोकस में चलेगी, वो फोकस उतना ही नीचे चलेगी। ऑल राइट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। एवरीबॉडी, पैराबोला, गुड शो। ये एक्स एक्सिस पे लाइन ऑफ सिमेट्री किया है वाई एक्सिस पे? वेरी गुड। ये एक्स एक्सिस के राइट पे खुला होगा या लेफ्ट पे खुला होगा? राइट पे खुला होगा। ग्रेट। वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे होगा या अदर देन ओरिजिन होगा? ओरिजिन पे होगा, बिकॉज इट इज राइट माइनस जीरो का उसके इक्वल टू एन टू एक्स माइनस जीरो। इसकी ऐसी दिखने वाली इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? फोर एक्स में ए क्या होता है? इसका जो फोकस है वो 3.0 है या 0.3 है? 3.0 पे पैराबोला की विड्थ कितनी होगी? 12। वेरी नाइस। उस विड्थ को नापने का टेक्निकल नाम क्या है? लेटेस्ट रेक्टम। एक लाइन होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी? फोर लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन क्या है? लेटेस्ट रेक्टम एक फोकल कॉर्ड है, उसकी इक्वेशन क्या है? नो नो यू आर ऑलमोस्ट देयर फिनिश। ये राइट हैंड साइड में खुल रहा है, इसकी एक्स इज इक्वल टू हाँ 1 2 3। इसके लिए ये फोकल कॉर्ड है, इसकी इक्वेशन 3y। नहीं दादा, एक्स इज इक्वल टू 3। ये लाइन में हमेशा एक्स 3 है। मैंने आई आस्क लेटर सेक्टर की इक्वेशन है वाई हमेशा थ्री भाई हमेशा। हाँ जी, 3 units अगर आगे है फोकस वर्टेक्स से तो 3 units ही पीछे होगा फोकस, राइट? 3 units से पीछे होगी डायरेक्ट्रिक्स फोकस से, वर्टेक्स से। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3.0, ये पास होगी माइनस 3.0 से, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। अगर मैं समझदारी वाली बातें करूं तो समझदारी वाली बात तो ये है कि मैं अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, या जो भी मुझे जो भी समझता है, उनको ये विश्वास दिलाऊं
कि याद करने से कुछ होगा नहीं। रीजन बहुत साफ है, सिर्फ मैथमेटिक्स तो है नहीं। अगर आप लोग ग्राफ बना पाओ, पैसिव कौन एग्रेड बनाने वगैरह है, एग्रेड तो हम नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकता क्या पर्टिकुलरली, तो आपसे तो क्या ही उम्मीद करूं। आइडिया बनाना, आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से जाएगा राइट। और उसके बाद लेटर सेक्टम की इक्वेशन पूछी जाए, फोकस का कोऑर्डिनेट पूछा जाए।